बिहार की कारकर्दगी की वजह से पेट्रोल डीजल और बिजली पर सब्सिडी देने के काबिल हुए वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि सबको नौकरियां दे, नौजवान को चाहिए कि हुनर सीखे कारोबार करें, वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। डूबती सियासत बचाने के लिए मौशी कौमी और अवामी मफादात को बलि चढ़ाया जा रहा है। दुआ है कि इमरान नियाजी पेट्रोल और बिजली की कीमत में अपने पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न ना ले, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बयान। ओगरा ने गैस की औसत कीमत में 16.37% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। पहली दफा गरीब आदमी को रिलीफ दिया, अब ऑयल और चीनी की कीमत को भी कम होना चाहिए, वजीर दाखिला शेख रशीद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। ओपोजिशन पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर सीख पा है, ओपोजिशन को असल दुख अगली बारी ना मिलने का है, वफाकी वजीर इत्तला और नशरियात फवाद चौधरी का ट्वीट। सिटी के रोड पक्का, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नलके वाली गली में छापा मारकर बदनाम जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर दिया। मक्स न्यूज और बदलता जमाना की निशानदही पर अवामी शिकायत के हल के लिए डीसी लोधरा कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले का फौरी नोटिस लेते हुए एहसास कफालत सेंटर का दौरा, इंतजामिया को अवामी शिकायत दूर करने की हिदायत जारी कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें होगी तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, कोई नशी आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, जो शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे दिल। चॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मक्स न्यूज के साथ मैं हूं सलमत खान
और मैं हूं मोहम्मद हैदर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि एफबीआर की कारकर्दगी की वजह से पेट्रोल डीजल और बिजली पर सब्सिडी देने के काबिल हुए। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट पे कहा कि एफबीआर की कारकर्दगी की वजह से पेट्रोल डीजल और बिजली पर सब्सिडी देने और अवाम को रिलीफ देने के काबिल हुए। वजीर आजम ने मजीद कहा कि एफबीआर ने फरवरी के रेवेन्यू 441 अरब के हदफ को कामयाबी से हासिल कर लिया है। एफबीआर के रेवेन्यू में 28.5% इजाफा हुआ जबकि महाना इजाफा 30% से ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि सबको नौकरियां दे, नौजवान को चाहिए कि हुनर सीखें, कारोबार करें। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान एक ख्वाब का नाम था, अगर पाकिस्तान को आज इज्जत नहीं मिली तो इसकी वजह सिर्फ नजरिए से हटकर चलना था। रियासत को अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी लेनी थी लेकिन ऐसा ना हो सका। इमरान खान का कहना था कि इलामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा हम इसकी जानिब गामजन हैं। कल रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी पर काम का आगाज करने जा रहे हैं। नौजवान को सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिंदगी के असूलों से आगाह करना है। इनका कहना था कि हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि सबको नौकरियां दे, नौजवान को चाहिए कि हुनर सीखे, कारोबार करें। IT एक ऐसा शोबा है जिससे नौजवान पैसे कमा सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत अवाम और IMF दोनों को धोखा दे रही है। IMF को खुश करने के लिए अवाम और अवाम को खुश करने के लिए IMF को चक्कर दिया जा रहा है। डूबती सियासत बचाने के लिए मौशी कौमी और अवामी मफादात को बलि चढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुआ है कि इमरान नियाजी पेट्रोल और बिजली की कीमत में अपने पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न ना ले। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली की कीमत ना बढ़ाने का ऐलान करके फिर बिजली की कीमत क्यों बढ़ाई जा रही है। ओगरा ने गैस की औसत कीमत में 16.37% तक इजाफे की मंजूरी दे दी है। ओगरा ने गैस महंगी करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। ओगरा की सिफारिशात पर फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ओगरा नोटिफिकेशन जारी करेगी। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए गैस औसत 16.37% महंगी करने और सुई सदरन के लिए गैस औसत 6.35% महंगी करने की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस के नर्क 94 रुपए फी MMBU बढ़ाने की मंजूरी दी गई और सुई सदरन के लिए गैस के नर्क 50 रुपए फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी दी गई। वजीर दाखला शेख रशीद ने कहा है कि पहली दफा गरीब आदमी को रिलीफ दिया, अब ऑयल और चीनी की कीमत को भी कम होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखला शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में गैर जानबदाराना खारजा पॉलिसी की तरफ गामजन है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को मजीद मुनज़्ज़म करें। पहली दफ़ा मुल्क के गरीब आदमी को रिलीफ दिया, अब ऑयल और चीनी की कीमत को भी कम होना चाहिए। जब गरीब आदमी को रिलीफ मिलता है तो सब उसके मुखालिफ बात करते हैं। शेख रशीद का कहना था कि अपोजिशन नाकाम है और अदम एतमाद के फैसले में अभी फासला है। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का कहना है कि हैरान कुन तौर पर अपोजिशन वाले पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर सीख पाए। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट में वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का कहना था कि हैरान कुन बात है कि अपोजिशन और उनके मीडिया में हम नवा पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर सीख पाए। फवाद चौधरी का कहना था कि आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई नीचे जा रही है, यह हमारे लिए परेशानी की बजाय इत्मीनान का बाइस होना चाहिए, लेकिन ओपोजिशन को असल दुख अगली बारी ना मिलने का है। सिटी कहरोड पक्का पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नलके वाली गली में छापा मारकर बदनामी जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। कहरोड पक्का से हमारे नुमाइंदे चौधरी तारिक महमूद के मुताबिक SHO सिटी रईस अली अंसर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदनामी जमाना मंशियात फरोश जावेद अली को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे 2 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद कर दी है। मुलजिम जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। SHO सिटी रईस अली अंसर ने मजीद कहा कि इंशाल्लाह कहरोड पक्का सिटी को इन नासूरों से पाक कर दिया जाएगा। SHO सिटी रईस अली अंसर ने मजीद कहा कि इंशाल्लाह कहरोड पक्का सिटी को इन नासूरों से पाक कर दिया जाएगा, जल्द ही मजीद मंशियात फरोश सलाहों के पीछे होंगे। मक्स न्यूज और बदलता जमाना की निशानदही पर अवामी शिकायत के हल के लिए DC लोधरा कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले का फौरन नोटिस लेते हुए गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल कहरोड पक्का में कायम एहसास कफालत सेंटर का दौरा। इंतजामिया को अवामी शिकायत दूर करने की हदायत जारी की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी तारिक महमूद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एहसास प्रोग्राम सेंटर में मौजूद हूँ और सबका कुछ दिनों से जो है कुछ शिकायत मौसूल हो रही थी,
जो मीडिया की निशानदेही पर जो है इस वक्त मेरे साथ अशरफ, असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले साहब मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये जो शिकायत मौसूल हो रही थी इसके बारे में क्या हदायत जारी की है। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मीडिया का जिन्होंने इसको हाईलाइट किया। सबसे पहले आपने मुझे वीडियो भेजी तो उसके ऊपर मैं आज यहाँ पे आया हूँ विजिट करने के लिए। मैंने इनका रिकॉर्ड चेक किया है, नो हाउ ली है कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो जो चीज़ें लैग कर रही थी तीन चार वो मैंने ऑर्डर कर दी है इंशाल्लाह। एक तो इनके पास सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था, कोई प्रॉपर पानी का इंतज़ाम नहीं है और कोई यहाँ पे आप कह लें डिसिप्लिन नहीं है कि जिसके तहत खवातीन जो है वो क्यू बना के अंदर जाएं। रश ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी जब मैं आया हूँ मैंने कि कहा था थोड़ा सा टाइम बढ़ा लें, तो आज टाइम भी ये ज़्यादा देर तक आप देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, तो कोशिश की है कि आज जितनी खवातीन आई हैं उन सबको इंटरटेन कर लें। तो कल से इंशाल्लाह जो है वो सारी चीज़ें जो लैग कर रही थी वो मैंने कर दी हैं। कल प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी होगा, इनकी सिटिंग अरेंजमेंट का इंतज़ाम होगा, पानी का जो है वो इंतज़ाम होगा, क्लिनलीनेस बेहतरीन होगी और एक डिसिप्लिन के साथ क्यू बना के खवातीन जितने हमारे यहाँ पे काउंटर्स हैं 10, उन तमाम काउंटर्स पे उतनी खवातीन अंदर जाएंगी और जब वो बाहर आएंगी फिर उसके बाद दूसरी खेप जो है वो अंदर जाएगी। तो इंशाल्लाह कल से आपने जिस तरह हाईलाइट किया वो तमाम चीज़ें एड्रेस करेंगे और कल आप देखेंगे इंशाल्लाह ये सेंटर जो है वो बेहतर अंदाज में अपनी वर्किंग दे रहा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू भाई। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि कल से जो है इंशाल्लाह आपको तब्दीली नज़र आएगी इसमें और वर्किंग जितना भी जो लैक ऑफ इनकी जो चीज़ों की कमी हुई है वो इंशाल्लाह पूरी होगी। चौधरी तारिक महमूद, मक्स न्यूज़, कहरोड़ पक्का। अब तक के लिए इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगेबान। किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें, और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सींचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छाओं को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200, 03000 222 402। This bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volka Foods International, Al Kareem Builders, and Ghareja Group of Academies.